महाकाल के विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर ये वक्त दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम पर चिंतन और मनन करें। इससे पहले कि हम वचन को आगे ले जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको ईश्वरीय बुद्धि दे जिससे कि हम इन बातों को समझ सकें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस दिन के लिए आपकी दया दृष्टि हम सब के ऊपर बनाए रखिएगा और प्रभु हम जो कुछ भी इस वचन में से जानना और सीखना चाहते हैं उस पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। पिता परमेश्वर, आप अपने वस्त्र के घेर में छुपा के रखें, आपके दास की बुद्धि को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले लें। प्यारे पिताजी, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न अनुभव से, वरन पवित्र आत्मा के तेजस्वी प्रकाश के द्वारा प्रभु जी आपके दिल की धड़कन हम सुन सकें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपके दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र करते हुए वही कहने का अनुग्रह दीजिएगा जो आप अपने आत्मा के द्वारा कहा चाहते हैं। प्रभु, हर श्रोताओं के ऊपर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हम आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण समय में पिता परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष दया दे दिया कि अब हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 12वें अध्याय पर चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्ड्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था और वह गर्भवती थी और चिल्लाती थी और प्रसव पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सींग और 10 सिर थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था और जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए और वह बेटा जनी और जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास से उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर ने उसकी ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी और वह 1260 दिन तक अर्थात 3.5 साल तक पाली जाए। वैसे हमने इस एपिसोड के पहले वाले एपिसोड्स में जरूर इस स्त्री के बारे में बता रखा था, परंतु हम संदेश को रिपीट करना चाहते हैं जिससे कि क्रमबद्ध तरीके से चलने वाले सिस्टम की गहराई को हम समझ सकें। अब यहाँ पर हमारे सामने एक दर्शन है जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला आत्मा में आ जाता है और ट्रैवलिंग इन स्पिरिट अर्थात आत्माओं के विचरण करने वाले वरदान के अंतर्गत वह अपने आप को क्या देखता है कि स्वर्ग में उसको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और एक स्त्री। अब ये सब सांकेतिक भाषा है और उसके पीछे आत्मिकता छुपी हुई है। स्त्री, स्त्री का जो संबंध है कहीं ना कहीं कलीसिया से या प्रभु के लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रारंभ से ही परमेश्वर पुरुष के रूप में अपने आप को प्रकट करते रहे हैं और उसके अनुयायियों को दुल्हन के रूप में वे पहचानते रहे हैं। और यदि यहां पर स्त्री शब्द काम में लाया जाता है तो जरूर
कहीं ना कहीं उसके अपने लोग जिस पर उसकी दया की दृष्टि है या नज़र है या परमेश्वर उसके जीवन में हरकत करना चाहते हैं या उसको अपना लेना चाहते हैं, इस तरीके का वाक्य सामने आता है। और जो सूर्य ओढ़े थी, तो बात जो है सूर्य का संबंध जो है विश्वव्यापिता से है, क्योंकि सूर्य सारे संसार के ऊपर प्रभुत्वता के लिए बनाया गया है। इसलिए सूर्य ओढ़ने का मतलब है संदेशा विश्वव्यापी है, सारे संसार में रहने वाले लोगों के लिए, जिसको स्त्री की उपमा दी जा रही है उससे जुड़ा हुआ है। और चांद उसकी पांव के तले है, इसका मतलब है सूर्य और चांद ही हैं जो पृथ्वी को उजियाला देने का काम करते हैं। सूरज और चांद ही पृथ्वी के पूरक हैं, अर्थात बात विश्वव्यापी है। और उसके सिर पर 12 तारे, 12 तारे का मुकुट है, तारों का मुकुट है। तारे जो हैं वह शासन या शासक को दिखाते हैं, और 12 की गिनती स्वर्ग में जो परमेश्वर ने 24 प्रतिनिधियों को रखा है, 24 प्राचीन जिसको बोलते हैं। और ये जो 24 प्राचीन की जो कहानी है, हमने पहले प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर पिता कैसे अपने आप को 24 प्राचीनों के इर्द गिर्द रखा करते हैं। ये जो 24 प्राचीन हैं वे इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वे दोनों प्रकार की प्रजाओं की बात कर रहे हैं। पहली प्रजा जिसको परमेश्वर ने भौतिक रीति से अब्राहम के द्वारा इजाक और इजाक के बाद याकूब और याकूब के को आशीष का मूल बना करके उसको इज़राइल में बदल दिया, और इज़राइल के 12 पुत्रों को पुराने नियम में 12 गोत्रों के नाम से पहचाना गया। प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय के 11वें पद में, और जब मैंने देखा तो उन सिंहासनों और प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया। इससे ऐसे पता चलता है कि ये जो प्राचीन हैं दो कम्युनिटी को या दो प्रकार के लोगों को प्रकट करती हैं। पहला तो इब्राहिम के द्वारा उत्पन्न संतान है, जिसको 12 गोत्रों में परिणित कर दिया गया। एंड देन फिर उसके बाद में नए नियम की जो आत्मिक कलीसिया है वो भौतिक कलीसिया है। भौतिक रीति से वे शारीरिक रीति से परमेश्वर के चुनाव में आए, परंतु नए नियम में आत्मिक रीति से जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वो लोग आत्मिक रीति से परमेश्वर के चुनाव में आए हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि 7 साल के महाक्लेश काल में जो 12 तारों का मुकुट पहनी वाली स्त्री है, उसका संबंध है नए नियम की कलीसिया से नहीं है, जिसमें 12 प्रेरितों को कलीसिया का आधार बनाया गया, परंतु ये 12 गोत्र के लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। और आपको जानकारी मिले, यूहन्ना की किताब के 1वें अध्याय में बाइबिल कहती है वह अपनों के पास में गया था, परंतु अपनों ने उनको अस्वीकार कर दिया, तब वह अन्य जातियों की ओर मुड़ा। अर्थात उन तमाम चुने हुए बुजुर्गों ने यीशु मसीह को मृत्यु की सजा देने के वक्त एक बात वाचा के रूप में बांध ली थी, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में हमको देखने के लिए मिलता है कि इसकी सजा। प्रकाशित वाक्य की किताब यदि हम उसको पढ़ लेने से अच्छा होगा, बुक ऑफ रेवलेशन मुझे खोज करके निकालना होगा कि इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर हो, इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर हो, ऐसा कह करके उन्होंने जो अपनी पीढ़ी के लिए न्याय कमा लिया उसके कारण से चंद्र लोगों के कारण उद्धार समस्त यहूदी समुदाय के लिए रुक गया। इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर हो, वे अपने लिए कह देते कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसकी सजा हम पर हो, वे
पर उन्होंने संतानों को भी जोड़ लिया, जिससे कि आज भी यहूदी संस्कार में पैदा होने वाले और बढ़ने पलने वाले लोगों के अंदर मसीह का काम नगण्य है। इसलिए इसराइलियों के बीच में नगण्य लोग हैं, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ यहूदी लोग भी हैं जो नए नियम की कलीसिया के अनुसरणकर्ता बने। उन लोगों ने प्रभु के वचन को अस्वीकार कर लिया, जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों पर शुरू हुआ, जिसमें मेरा और आपका नंबर लग गया, जो इब्राहिम के वंश में पैदा नहीं हुए हैं। ये जो नए नियम में 12 प्रेरित जो सुसमाचार के लिए चुने गए, पहले तो वे यहूदियों के बीच में भेजे गए, पर जब यहूदियों ने, बाइबल में लिखा है, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, पर अन्य जाति की आवाज ये थी कि बेटे भी जब रोटी नहीं खाते हैं ना, तो उनके टुकड़ों से, चूर चार से कुत्ते भी पेट भर लिया करते हैं। अर्थात वो जातियां जिन जातियों को प्रभु यीशु के, परमेश्वर की ओर से कोई चुनाव नहीं था, वे अपनी ही प्रजा को, यहूदी समुदाय को, इजरायली समुदाय को सुसमाचार सुनाने के लिए गए जरूर थे, परंतु जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना, तो परमेश्वर का आत्मा अन्य जाति की तरफ लग गया। इसलिए 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित गैर यहूदी लोगों के बीच में स्थापित कलीसिया को 12 तारों के मुकुट पहने वाली विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में देख सकते हैं। हम एडवांस में आपके सामने एक फाउंडेशन डाल दिया चाहते हैं कि ये जो 12 तारे नए नियम के 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित विश्वव्यापी कलीसिया होगी ना, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले अपने आप को तैयार करेगी। जब ये वाला पैटर्न, जब ये वाला बात जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में है हम देखते हैं, तो इसका इस ओरिजिनल कॉपी को निकाल करके यीशु के आगमन के 7 साल पहले लाकर के, या 3.5 साल पहले लाकर के रख दीजिएगा, और वहां पर ये वाली जो कहानी है नए नियम की, उस कलीसिया को जो शारीरिक रीति से तो इब्राहिम के वंश में न जन्मी, वरन मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण कहीं ना कहीं वे इब्राहिम की संतान होने का दावा रखने लगे, जिससे कि वे इब्राहिम की आशीष के वारिसदार हो जाएं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय पर चिंतन करते हैं, तो इसे यह नहीं मान लेना चाहिए जो नए नियम की कलीसिया में पाए जाते हैं, जो यीशु मसीह के आगमन का आज भी इंतजार करते हैं, उन्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये बातें हम पर लागू नहीं होंगी। वरन यहां पर 12 तारे वाली, 12 तारों का मुकुट पहने वाली स्त्री यीशु के आगमन के बाद इजरायली समुदाय के 7 संदेशों का कारण बन जाती है, और यही संदेश है यीशु के दूसरे आगमन के पहले नए नियम की कलीसिया, अर्थात 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया जो विश्वव्यापी कलीसिया है, उसके लिए ये वाला संदेश लागू हो जाता है। इसलिए अब आप जो 12वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसे ये मत सोच करके अलग कर दीजिएगा कि ये तो भैया 7 साल के महाक्लेश काल में होगा। आपको मालूम है जो कुछ भी 7 साल के महाक्लेश काल में यहूदी समुदाय के बीच में हो रहा है, जो शारीरिक रीति से परमेश्वर की प्रजा है, जिसको स्त्री के रूप में जाना गया है, यही घटना नए नियम में भी लागू होगी। इसलिए जितने लोग यीशु मसीह के आगमन के पहले कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, उन सब को इस बात को बड़ी बारीकी से, ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिरकार यहां कौन सी घटना घट रही है। अब यहां पर 12 तारों का मुकुट पहनी वाली स्त्री को गर्भधारण था, और वह चिल्ला रही थी, और उसको प्रसव पीड़ा लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। जरा देखिएगा, नए नियम में यदि आज आ जाएं, यीशु के आगमन के पहले आ जाएं, तो आपको जानकारी मिले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले भी कलीसिया, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं और विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य हो गए हैं, जिसके जिसके सिर पर सूर्य और पैर चांद के नीचे हैं,
12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित विश्वव्यापी कलीसिया, इस पर भी अंत के दिनों में प्रसव वेदना की कहानी दोहराई जाएगी। इसका मतलब है यीशु के आगमन के पहले कलीसिया को प्री ट्रिब्युलेशन से होकर के गुजरना पड़ेगा, प्रारंभ की क्लेश काल। अब बहुत से लोगों का अलग अलग सिद्धांत है, परंतु सब सिद्धांतों से हटकर जो स्पष्ट बात प्रभु इन समयों में बता रहे हैं उसको समझ लेना ही हमारी बुद्धिमानी है। जो क्लेश और महाक्लेश, ओरिजिनल क्लेश और महाक्लेश पृथ्वी पर भौतिक संसार पर विजुअल आंखों से देखा जाएगा, वो जो सताव का वक्त होगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद शुरू होगा। परंतु आत्मिक संसार में कलीसिया पर यह घटना आत्मिक रीति से, जो 7 साल के महाक्लेश काल में भौतिक रीति से दोहराई जाएगी या अपनाई जाएगी, वही घटनाएं आत्मिक संसार में देखने के लिए मिलेगा। आपको जानकारी मिले, सारा विश्व जो है अंत के दिनों के पहले नई जागृति या न्यू एनॉइंटिंग या नए अभिषेक या जागृति की कल्पना कर रही है। ये जागृति है क्या चीज? What do you mean by the revival, the end time revival? जिनकी आंखें खुली हुई हैं, वे कहीं ना कहीं अंत के दिनों की जागृति की कहानी पर चिंतन कर रहे हैं। आखिरकार अंत के दिनों की जागृति का महत्व क्या है? अंत के दिनों की जागृति का मतलब ही होता है परमेश्वर विश्वासी जगत में से कुछ ऐसे चुनंदे लोगों को जो टोटली आत्मा के चलाए चलते हुए वचन के अनुसार एक ऐसे जीवन का निर्माण कर चुके हैं जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और ऐसे जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आकाश गंगा में रूपांतरित होकर के उठाए जाने के लिए चुनाव में आएंगे। ऐसे लोगों को जन्म देना ठीक नहीं होगा, रूपांतरित करने की जो जवाबदारी होगी वह अंत के दिनों की जागृति की होगी। इसलिए विश्वव्यापी जितनी भी कलीसियाएं हैं उन तमाम कलीसियाओं में से हर एक व्यक्ति यीशु के आगमन में ऊपर नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ आकाश गंगा में उठाए जाने की शर्त बीते दिनों में हम बता चुके हैं, और उसको एक लाइन में बोलना चाहते हैं। कलीसिया क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज होना चाहिए, और कलीसिया को, उठाए जाने वाली कलीसिया को इफिसियों की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसके 28 पद के अनुसार, बुक ऑफ एफेशियंस चैप्टर 5:26 से पढ़ लेते हैं, 26, और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र, होली, संत, और एक उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे जिसमें नंबर 1 न कलंक होगा, नंबर 2 न झुर्रियां होंगी, नंबर 3 न कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले ले, नंबर 4 पवित्र, और नंबर 5 निर्दोष। ये 5 प्रकार की क्वालिटी कलीसिया के अंदर डेवलप करने के लिए अंत के दिनों की जवाबदारी है, अंत के दिनों की जागृति की जवाबदारी। इन द एंड टाइम, एंड टाइम रेवलेशन इज द की टू अनलॉक द पीपल, दोज हु हैव द इनकाउंटर इन दिस 5 क्वालिटीज। इन 5 प्रकार की योग्यताओं पर आमना सामना करने के लिए अंत के दिनों की जागृति ही एक चाबी है। और जो जो लोग नए नियम की कलीसिया में यीशु को जानकर बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोलने, चंगाई पाकर के कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, उनमें से परमेश्वर
ऐसे लोगों को जिनके अंदर वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए जाने वाले सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया गया है, वे ही लोग विश्वव्यापी कलीसिया में जच्चा के समान बच्चे की तरह होंगे। एक बात कान खोल के धरती पर हर व्यक्ति सुन ले, जो ईसाई मामा से पैदा हुआ है, चर्च जाता है, यीशु को ग्रहण कर चुका है, गले में क्रूस लटका चुका है, छाती पर बाइबल चिपका के हर रविवार आराधना करने जाता है और अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से 1760 रकम के बपतिस्मा ले लिया है, किसी ने यहोवा के नाम से लिया है, किसी ने यीशु के नाम से लिया है, किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है, ये हर एक प्रकार के बपतिस्मा लेने वाले यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। वरन इनमें से जिन जिन लोगों ने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को रूपांतरित, यहां फिर एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग आगे चलकर की ये बातें हमारी और मदद करेंगी, जिसको आपने इफिसियों की किताब के चौथे अध्याय के 12वें पद, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12, जहां पर यह क्वालिटी देखी जाती है, इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12 कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। पवित्र लोगों को यहां पर अंग्रेजी में सेंट्स लिखा है, सेंट्स को हिंदी में करें तो संत लोग, संतों का सिद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं, सिद्धिकरण, वे संत लोग सिद्ध किए जाएं। क्या आज कलीसियाओं में से कुछ लोग हैं क्या जो संत बन गए हैं और क्या उनको सिद्ध बनाया गया है? अब जितनी भी क्वालिटीज यहां लिखी हैं जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के द्वारा डेवलप की जाएगी, वह सारी क्वालिटी रखने वाले विश्वासी को या कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया के रूप में या रेडियंट चर्च के रूप में हम पहचान सकते हैं, जिसके अंदर ये क्वालिटी जो मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जो आपकी भी बाइबिल पर लिखी हुई है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं, तब सेवा के अंतर्गत परिवर्तन आए। नंबर 2, मसीह की देह उन्नति क्वांटिटी एंड क्वालिटी में भी पाए, और ताकि हम सब विश्वास में एक हो जाएं। ये जो डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर जो आज संस्थाओं और संस्थाओं के बीच में झगड़ा पैदा कर रही है, जब तक इनका फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ पर सब की सब विश्वास में एक नहीं होंगे। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में सबको एक होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के पुत्र की जो हाईली क्वालिटीज है वहां तक हमको पहुंच जाना है, और मसीह की देह की डील डॉल तक, अर्थात आत्मिकता में, अर्थात पवित्र आत्मा के निर्देश और आज्ञा के पालन में, वह पालन करके एक पवित्र जीवन जीने में पूरी डील डॉल तक बढ़ जाए, ताकि हम आगे बालक की तरह केवल इचिक बिचिक करने वाले और संस्थाओं में झगड़ा झांसा करने वाले और सिद्धांत और सिद्धांत के बीच में आपसी में मतभेद करने वाले बालकों की तरह ना रहें, जो सिद्धांतवाद की जो मिक्सी का ब्लेड चल रहा है, क्योंकि मनुष्य ठगी विद्या और चतुराई और भ्रम की युक्तियों और उपदेशों की बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। जितने भी आज सिद्धांतवाद जो विपरीत परिस्थितियों के आधार पर निर्माण किए जाते हैं, मैं तो पेंटिकॉस्टल हूं, मैं तो मेथोडिस्ट हूं, मैं तो जीसस ओनली हूं, मैं तो यहोवा विटनेस हूं, मैं तो पेंटिकॉस्टल हूं, जो एक ने यहोवा को पकड़ के खींच लिया, दूसरे ने यीशु को पकड़ के खींच लिया, तीसरे ने यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, इन तीनों को एक जगह में मैदान में रख दिए, तो एक भी टेबल में प्लेट और गंजी और बर्तन दिखाई नहीं देंगे, सर इतना झगड़ा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में। ये सब क्या चल रहा है आज धरती के अंदर में? मैं आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत कहना चाहते हैं, चाहे यहोवा के मानने वाले हो, चाहे यीशु को ये जीसस ओनली वाले हो, चाहे पेंटिकॉस्टल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मानने वाले हो, चाहे वे रोमन कैथलिक वाले हो, चाहे वे लूथरन वाले हो, चाहे वे चुप रहकर के प्रार्थना करने वाले हो, चाहे वे ड्रम बजाने वाले हो, इनमें जब तक समझौता करके इस बालपन की कहानी को समाप्त
नहीं कीजिएगा तब तक आप उस बच्चे के समान नहीं हो सकते जो विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर में गर्भ के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक धरती के अंदर में हर संस्था और सिद्धांत का झंडा नीचा नहीं गिराया जाएगा, तब तक हम उस स्त्री के गर्भ में पलने वाले बालक के रूप में गिने नहीं जाएंगे। आज आप हाथी समान कान खोल के ये बातें सुन लीजिएगा, आवाज कान से बाहर न जाने पाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउ। आज हम विभाजित हैं, आज हम टुकड़ेवाद में हैं, और आज हमारे याजक लोग सिर्फ एक सिद्धांत को गलत साबित करके अपना सिद्धांत सही साबित करने के लिए जिंदगी के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खर्च कर दिए। वे केवल सिद्धांतवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे केवल एक दूसरे को कंडम करने के लिए लगे हुए हैं, वे केवल मैं सच हूं वो गलत है इस बात के लिए लगे हुए हैं। आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर कम डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर ज्यादा हो रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हम कहीं ना कहीं उपदेश की बयार में इधर उधर उछाले जा रहे हैं, और जो जो लोग सिद्धांत की भ्रम की युक्तियों में पाए जाते हैं वह विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर गर्भ धारण में जो बालक पल रहा है उसमें आपका नंबर नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिएगा। यू कैनॉट बी ए मेंबर ऑफ द चर्च, दोज हु आर गोइंग टू बी रैप्चर्ड विद क्राइस्ट, हु इज गोइंग टू बी अपीयर इन द मिड हेवन। जितने भी सिद्धांत का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी संस्था का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी मैवाद का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी दूसरों की डॉक्ट्रिन को कंडम करने के लिए लगे हुए हैं, वे सब गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान बढ़ने और पलने वाले बच्चों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, और वही बच्चा होगा जो आकाश पर उठाया जाएगा, स्त्री जंगल में भाग जाएगी। याद रखिएगा, ये विश्वव्यापी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर में से वे चुनंदे लोग जो एलिया और मूसा की शिक्षा के द्वारा अपने आप को इस 12वें पद से लेकर के 16वें पद तक की कहानी को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में बना चुके होंगे, केवल वे ही स्त्री के घर में पाए जाने वाले बच्चे के रूप में देखे जाएंगे, पहचाने जाएंगे। स्त्री को भागना पड़ेगा, याद रखिएगा, जंगल में। इस विश्वव्यापी कलीसिया को कहीं ना कहीं विपत्ति में से होकर के जाना पड़ेगा। हाँ, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी गो थ्रू दी प्रोसिक्यूशन, लेबर पेन से जाना पड़ेगा, और उस लेबर पेन में से केवल उन चुनंदे लोगों को परमेश्वर अलग करेगा जो एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल, एलाइजा एंड मोसेस, जिसको आपने 11वें अध्याय में देख रखा है, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर के आप इस क्वालिटी को क्रिएट कीजिएगा। यदि आप में से कोई, हम इस बालपन में रह करके, हमने बंसरी बजाई तुमने गाना नहीं गाया, हमने बंसरी बजाई तुमने नहीं नाचा, हमने गाना गाया तुमने नहीं रोया, इस प्रकार की कहानी जो दो बच्चे बैठ करके कर रहे हैं ना, इस बालपन की आत्मिकता के आधार पर यीशु के दूसरे आगमन में अंत के दिनों में होने वाली जागृति में हमारा नंबर नहीं लगेगा। याद रखिएगा, पीते रहिए आप बीड़ी, बनाइए वीडियो एक संत के विरोध में बात करने के लिए दूसरे संत नुक्ताचीनी कर रहे हैं, अपने सिद्धांत को खरा साबित करने के लिए दूसरों की लाइनें आप काटते रहिएगा। परमेश्वर का वचन कहता स्त्री को जंगल में भागना पड़ेगा। आप उस बच्चे की तरह नहीं हो सकते हैं जो आकाश गंगा में पैदा होने के बाद उठाया गया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 12वें अध्याय में कि 5वें पद में, और वह बेटा जनने को लोहे का दंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचाया गया, और स्त्री जंगल में भाग गई। ये विश्वव्यापी कलीसिया जंगल में जाना पड़ेगा तुमको, इसलिए जंगल में भागने वाली स्त्री में से आप उस जच्चे के बच्चे के अंदर समा जाएं, और इस विश्वव्यापी कलीसिया में जागृति का इनकाउंटर करने वाले वही होंगे, पूरी स्त्री नहीं होगी। याद रखिएगा, द होल चर्च इज नॉट गोइंग टू हैव द इनकाउंटर विद द एंड टाइम रिवाइवल। लिसन मी, द फ्यू पीपल, दोज हु आर इन द वूम ऑफ हर मदर,
वो माँ के खोख के अंदर में पाया जाने वाला वो वजूद जो 2-4 किलो का होगा, 2.5 किलो का बालक पैदा होता है, ये 25 किलो की स्त्री, 40 किलो की स्त्री काम की नहीं है, उसके अंदर से निकलने वाला जो बच्चा है वो स्वर्ग पर उठाया गया, याद रखिएगा। ये घटना नए नियम की कलीसिया में अंत के दिनों के अंदर भेजे गए एलिया और मूसा के द्वारा स्थापित जागृति के अंश बन जाएंगे। केवल वे ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचाए जाने की कगार में होंगे, याद रखिएगा। और यही स्त्री जो थी ना, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, मुझे निकालने दीजिएगा, जहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब और उसी 12वें अध्याय में बाहर देख रहा हूं, 13वें पद से जरा पढ़िएगा, उसको काम की चीज हम रोक लेंगे, ठीक है। और जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, जो रिवाइवल के पात्र हो गए, जो जागृति के हिस्से बन गए, वो सिक्योर हो गए, वो सुरक्षित हो गए, उन्हें कोरोना भगाने के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं होगी। और जब स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए और सांप के सामने से वह उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाई जाए जहां वह समयों और आधे समय तक 3.5 साल पाली जाए, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुख से नदी की नाई पानी बहाया और वह नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने स्त्री अर्थात कलीसिया की मदद की कि वह अपना मुख खोल करके नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी वह पी ले, और अजगर अर्थात वही लूसीफर पुराना सांप स्त्री अर्थात पुराने नियम की 12 गोत्रों की कलीसिया और नए नियम के 12 प्रेरितों की कलीसिया के ऊपर क्रोधित हुआ, और उसकी संतानों में से जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, लिसन मी केयरफुली, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर रहते हैं, उनसे लड़े और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। इस पर बाद में आएंगे हम। इसका मतलब है जरूर नए नियम में परमेश्वर जो एलिया और मूसा का अभिषेक है, इन 7 साल के जो प्री ट्रिब्यूलेशन के टाइम में अर्थात यीशु मसीह के आगमन के ठीक 3.5 साल के पहले एलिया और मूसा का अभिषेक धरती पर भेजा जाएगा, वो इन विश्वव्यापी कलीसिया को 3.5 साल में वो वाली शिक्षा देंगे जिससे कि उनके गर्भ में गर्भधारी धारण हो जावे। इसका मतलब है जो ओरिजिनल गॉस्पल अभी भी जिसको हमने स्वार्थवाद के आधार पर छुपा रखा है, आज हम फुल गॉस्पल को प्रचार नहीं करते हैं। आज 99% कलीसिया चंगाई की फाउंडेशन पर खड़ी है, और जिन्होंने चंगाई पाया है वो केवल चंगाई का सपना देखते हैं, और वे केवल चंगा करके लोगों को प्रभु के पास लाके बपतिस्मा दे देते हैं। तो जिसने चंगाई के द्वारा कलीसिया बनाने का अभियान शुरू किया, उसके सारे लोग चंगाई करते हैं और वे चंगाई के चक्कर में बपतिस्मा ले लेते हैं। इसको कहते हैं हीलिंग चर्च। फिर दूसरा चर्च होता है वचन वाला चर्च, बाइबिल में ये लिखा, बाइबिल में वो लिखा, बाइबिल में वो लिखा, इस तरीके से वे बाइबिल की बातों पर बहस करते हैं। तो बाइबिल ज्ञान वाला चर्च, बाइबिल के अनुसार चलते वगैरह नहीं है वो लोग, केवल हेड नॉलेज उनके पास में है, बाइबिल बीड़ी भी पी करके बाइबिल में ये लिखा। और जिनको ऐसी वाली जानकारी हो जाती है तो वे कहते हैं भैया प्रभु, हाँ प्रभु ने तो सब सारी कीमत हमारे लिए अदा कर दिया, पत्नी को पीटना है तो भी प्रभु यीशु मसीह आएगा ले जाएगा। फिर दूसरी कलीसिया ग्रेस कलीसिया है, भैया हम तो प्रभु की दया पर जीने वाले लोग हैं, अब अपने को कुछ नहीं करने का है, हम चाहे चोरी करें, चाहे लंद करें, चाहे फंद करें, कोई प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सजा दे दी, हमको धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
ये एक और कलीसिया हो गई। फिर दूसरी है जो वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, जिस अगुए के अंदर में ज्ञान और बुद्धि के वरदान पाए जाते हैं, तो वह पूरे लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान का वरदान और बुद्धि का वरदान ही बांटते रहता है। उसकी पूरी कलीसिया के लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम काम में लाने लगते हैं। तो ए से लेकर के झेड तक पूरे लोगों का आधार केवल ज्ञान बताओ, नाम पुकारो, समस्या बताओ, लोगों को बपतिस्मा दो, वो ज्ञान पर ही है। यदि ज्ञान वाली कलीसिया को, वरदान वाली कलीसिया को, भविष्यवाणी वाली कलीसिया को चंगाई वाली कलीसिया में ला दें, और चंगाई वाली कलीसिया को यदि हम ज्ञान और बुद्धि के वरदान वाली कलीसिया में ला के खड़ा कर दें, तो दोनों कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं, दोनों की पटती नहीं। तुम क्या बताओगे, हमने सिद्धांत चंगाई के द्वारा इतने हजार बपतिस्मा दिए, यदि प्रभु हमारे साथ नहीं होते तो इतने बपतिस्मा नहीं होते। भविष्यवाणी का वरदान कहने वाला, तुम क्या बताइएगा, हमने भविष्यवाणी करके कि इतने हजार बपतिस्मा दे दिए। दोनों अपने आप में ठीक हैं, परंतु समझ तो नहीं ना है। इससे ऐसे पता चलता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग सिद्धांत और मत के आधार पर प्रभु को मानने जरूर लगेंगे, परंतु वे जिन लोगों ने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के संपर्क को अपने जीवन के अंदर में आने से इनकार कर रखा है, उनकी सूझबूझ आज भी बालकों के समान होगी। जी हां, इसलिए केवल एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसको इफिसियों की किताब 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसकी कोने का सिरा मसीह। अब जरा इफिस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट कर दे, कहीं वो बाईपास ना हो जाए। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2:20, उसको बारीकी से देखिएगा, लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, एपोस्टल एंड द प्रॉफिट इज द फाउंडेशन, और जिसके कोने का सिरा, कोना कोना कोना। अब आपको कोना बोले तो क्या समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्नर। ये चार, ये 10x10x10 का कमरा है, इसका कोना क्या होगा, और लिखा है कोने का पत्थर, तो पत्थर कहां रहता है। जनरली हम सोचते हैं ये जो फाउंडेशन है चार दीवार की, उसका कोना, तो कोने कितने होते हैं, चार होते हैं ना, मसीह चार है कि एक है, यहां हमको समझ नहीं आ रहा है। वो कोना नहीं है जिस पर न्यू है, वरन मसीह को अंग्रेजी में देखें, हिंदी में लिखा कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर। यदि आप अंग्रेजी में देखिएगा तो वहां लिखा चीफ कॉर्नर स्टोन, नॉट द कॉर्नर स्टोन। मसीही चारों दीवारों को अपने ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि पहला कुरंथियों की किताब है और उसका 3 अध्याय और उसके 11वें पद में बाइबल कहती है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और मसीह को चट्टान कहा है, मत्ती की किताब में पत्रस को बोला, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक, मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। तो जिस चट्टान, जहां पर ये नींव खोदी गई है ना, वो जमीन नहीं है, चट्टान है, चट्टान वो मसीहा है, हमारे विश्वास का आधार मसीहा है। और एक इतनी बड़ी चट्टान है जिसमें चारों दीवारें खड़ी हुई हैं। लिसन मी केयरफुली, हम जमीन खोदते हैं और अलग 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 गड्ढे में पत्थर डालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रभु की जो कलीसिया है वह जमीन पर नहीं है, मट्टी पर नहीं है कि वहां पत्थर रखे कोने पर, वरन मसीह की कलीसिया अपने आप में चट्टान के ऊपर खड़ी हुई, तो उसमें कॉर्नर डालने का जरूरत नहीं है, तो पूरी चट्टान ही है जिसके ऊपर में चारों दीवारें खड़ी हुई है। यस, तो चट्टान, जिसका घर चट्टान पर बना रहेगा, उस पर आंधी आए तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका घर रेत में रहेगा, 1 साल के बाद में 5 मंजिला बिल्डिंग का कतरा बटोरने आइएगा,
क्योंकि नीचे से रेत बह जाएगी और बिल्डिंग धराशाही हो जाएगी। यहां पर भी बाइबल का परमेश्वर कहता है मसीह यीशु टोटल वो चट्टान है जो चारों की चारों दीवारें उसी चट्टान के ऊपर में खड़ी है, तो कॉर्नर स्टोन डालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये 10x10 की दीवार को आपने 12 फीट उठा लिया, और जब वो 12 फीट उठ जाती है तब जी दीवार की छत बनाने के लिए पुराने जमाने में गुंबज बनाने का कार्यक्रम किया जाता है, गुंबज। और गुंबज में खड़ी वाली दीवार में तो चौकोन ईंट एक सी लंबाई चौड़ाई की जोड़ते हैं, परंतु जब दीवार की ऊंचाई पूरी हो जाती है तो उसको गुंबज बनाने के लिए पत्थर को एक साइड से चारों तरफ से कॉर्नर काट दिया जाता है, जिससे कि बाहर वाला एरिया चौड़ा रहता है और अंदर वाला एरिया सकरा हो जाता है। मान लो ये 12x12 का पत्थर है तो अंदर 8x8 का पत्थर इस तरीके से कट जाता है। तब जब आप उस पत्थर को रखिएगा तो धीरे धीरे गोल सर्कल के रूप में बदल जाता है। पुराने जमाने में हमारे समान रॉड डाल के स्लैब डालने का कोई बंदोबस्त नहीं था, वरन वे कॉर्नर स्टोन को ऐसे स्टोन को कॉर्नर से काट देते हैं और नीचे वाले हिस्से को की डायमीटर कम कर देते हैं और तब जोड़ते हैं, तो वह आगे जाके गोल गुंबज में बदल जाता है। फिर जाकर के ठीक बीच में एक होल बचा हुआ होता है जिसमें चारों तरफ की दीवारें गोल गुंबज के रूप में आकर के जमा हो जाती हैं। यूं करके तब इस सेंटर में एक बड़ा पत्थर जिसके कई कॉर्नर्स होते हैं, षष्ठकोण होता है, उसको ठीक वो नीचे से पैना होता है ऊपर से बड़ा होता है, और उसको लाकर के ठीक सेंटर वाली जगह में लाकर के रख दिया जाता है, जिससे कि पूरे पत्थरों को वो लॉक कर देता है। जब कभी भी इस दीवार को इस गुंबज को तोड़ना है ना, तो उसके किसी भी एरिया के एक पत्थर को निकाल दो गुंबज नहीं गिरेगा, परंतु सेंटर से उस बीच वाले पत्थर को निकाल के अलग कर दिया जाए तो आपसे अब गुंबज ढा दिया जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला जो पत्थर है इसी को चीफ कॉर्नर स्टोन कहते हैं। यही है एंड टाइम रिवाइवल, यहां मंदिर के बनाए जाने का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। ये जब इफिसियों की किताब में अब देखिएगा, पहला कोरिन्थियों की किताब के 3rd chapter 11th verse में यीशु मसीह पूरी चट्टान है जिस पर चारों दीवारें खड़ी हुई हैं, जिसमें इधर उधर तुचकने पिचकने का कार्यक्रम ही नहीं है, क्योंकि वह फाउंडेशन जो है होल एक ही चट्टान है। पर जब दीवार के बाद में गुंबज बनाया जाता है तब यह वचन लागू होता है, क्या इफिसियों की किताब के 2rd chapter 20th verse के आधार पर, कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, यहां पर फिर ये दो सेविकाइयां आ जाती हैं जो दीवार के समान खड़ी कलीसिया को गुंबज बनाने के लिए प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेविकाई के द्वारा काटने और छाटने का जो कार्यक्रम किया जाता है, कटिंग छटिंग का जो कार्यक्रम है, वह केवल प्रेरित और भविष्यवक्ता कर सकता है। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, एक पास्टर और एक एवेंजेलिस्ट और एक शिक्षक खड़ी दीवार जरूर बना सकता है, परंतु वह दीवार के ऊपर छत नहीं बना सकता। इसीलिए छत बनाने के लिए हमें चौकोन ईंटों की आवश्यकता नहीं है, वरन एक तरफ ढलानों में काटे गए ईंटों या पत्थरों की आवश्यकता है, जिसको जोड़ने के बाद ही गुंबज बनेगा और यही गुंबज छत का काम करेगा। इससे ऐसे पता चलता है कि अब जो सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर एवेंजेलिज्म पास्टोरलिकल एंड टीचिंग गिफ्ट के द्वारा चर्च बन जाता है, परंतु जब इस चर्च की खड़ी दीवार पर गुंबज बनाने का कार्यक्रम आ जाता है तो यहां पर ये प्रेरित, यहां पर ये शिक्षक, यहां पर ये पास्टर और यहां पर ये एवेंजेलिस्ट, यदि इन्हीं खड़े ईंटों को ऐसा जोड़ दिया जाए तो वो नीचे गिर पड़ेंगे। इसलिए अब प्रेरित आते हैं, इन पत्थरों को वन साइड से चारों तरफ से एक तरफ चारों तरफ से शार्प करके कुछ हिस्से को काट के अलग कर देते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहते हैं, ये एक ईंट है जो 8 इंच लंबा है, 4 इंच चौड़ा है, 6 इंच ऊंचा है, मोटा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वन साइड से हमें
मतलब चारों तरफ से हमको इस तरीके से कुछ कुछ कॉर्नर काट के अलग करने पड़ेंगे। ये दो साइड हैं, टू डायमेंशन में, इसको फोर डायमेंशन में देख लीजिएगा। तो ये वाला मान लीजिए ऊपर का 12 इंच बाई 12 इंच है, तो ये नीचे वाला 12 के बजाय 8 बाई 8 या 6 बाई 6 हो जाएगा। तब जब आप इसको यू रखिएगा तो पत्थर घूमते हुए नजर आएंगे, फिर दूसरा रखिएगा तो और घूमेगा, तीसरा रखिएगा और घूमेगा। इस तरीके से जो लेयर इस तरीके के पत्थर को काटे जाने के बाद रखी जाती है, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर झुकना शुरू कर देती है और एक गोल गुंबज का कारण बन जाती है। ये वाली जो मिनिस्ट्री है ना, ये पास्टर के द्वारा नहीं अपनाई जाती और ना ही शिक्षक के द्वारा और ना ही एवेंजलिस्ट कोई अथॉरिटी है, ये तो प्रॉफिट एंड एपोस्टल काटने और छाटने का काम करते हैं। ये कटाई छटाई तो चल रही है आज आपके सामने, दिस इज द एपोस्टोलिक टीचिंग्स, जिसमें अनवांटेड ब्रांचेस को काटा जा रहा है, बेफिजूल की बातों को अलग किया जा रहा है, अनहोलीनेस अनप्योरिफिकेशंस को अलग किया करके प्योरिफिकेशन लाई जा रही, सिद्ध बनाया जा रहा है, तिगंज बनायुम अर्थात परफेक्शन, संतों के पवित्रीकरण का काम किया जाता है। यही होगी जो अंत के दिनों की जागृति के लिए तैयार की जाएगी। ओनली एपोस्टल एंड द प्रॉफिट हैज द अथॉरिटी टू कट समथिंग अनवांटेड विच इज प्रैक्टिस्ड इन द चर्च। वो आएंगे, उनको काट काट के अलग करेंगे, समझौतापूर्ण जिंदगी के साथ में बिल्कुल कड़क रीति से व्यवहार करेंगे वो लोग। हाँ, जैसे एलियाह ने किया, काट दिया तमाम बाल के पुजारियों की गर्दनों को, 400 थे, ढा दिया बेल की बाल की वादी बेदियों को, तब जाकर के इसराइल में पवित्रीकरण हुआ और तब वर्षा हुई। ये जो बीच का होल बचा है ना, वहां पर जो षष्ठकोण पत्थर डाला जाएगा, यही है चीफ कॉर्नर स्टोन। समझ रखिएगा, जब तक प्रेरित और भविष्यद्वक्ता सेवा नहीं देंगे, विश्वव्यापी कलीसिया जो नए नियम की 12 तारे का मुकुट पहन के रखी है, उसके अंदर जागृति के रास्ते वो बालक पैदा नहीं होंगे जिसको प्रभु ऊपर उठाने वाला है। इफ एनी चर्च एंड एनी मिनिस्ट्रीज इज रेडी टू रिजेक्ट द एपोस्टोलिक एंड द प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग, द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू कैनॉट बी कंसीव विथ द रिवाइवल। आप अपने अंदर में उन नए बच्चों को पैदा करने की जागृति के बच्चे का गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। केवल प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की शिक्षा गर्भ धारण देगी विश्वव्यापी कलीसिया को, जिससे कि उठाए जाने के लायक बालकों के पैदा होने का कारण बन जाए। जी हां, यही होगा इसराइलियों के साथ में। और जैसे एलिया और मूसा आएंगे, वैसे ही ये स्त्री जो सुर ओढ़े है, जो गर्भवती थी, आज भी 2020 में विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया नहीं, आधे तो भविष्यवाणी के चक्कर में आए हैं और वहां वो बंद अंत कर देना चाहते हैं, आधे तो चंगाई के चक्कर में आए हैं कि चंगाई के बाद में और कुछ हमको लेना देना नहीं, अपन अपना धंधा अपना काम बना रहे। ये विश्वव्यापी कलीसिया है। कई तो भैया पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, चंदा मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं तो दुकान दूसरी खोलेंगे। आज कितने सेवक हैं जिनकी आर्थिक समस्याओं के कारण उन्होंने सेवा छोड़ दिया और व्यापार में लग गए। इससे ऐसा पता चलता है कि वे प्रभु की सेवकाई के लिए नहीं बुलाए गए थे। और आज भी जो सेवा के लिए लगे हैं, जैसे कहते ना बिल्ली की नजर छिछड़े पर, वैसे ही उनकी नजर पैसे और सुविधाओं पर पड़ी हुई। प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री, वो कलीसिया के अंदर केवल प्रोजेक्ट के लिए है। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इस दिन ये टीका लगा के कहीं और दिखेंगे या पान की दुकान खोल करके लड़कियों को छेड़छाड़ करते नजर आएंगे। लिसन मी वेरी केयरफुली, आज कलीसिया के अंदर अशुद्धताएं हैं,
ये पूरी की पूरी स्त्री नहीं उठाई गई, याद रखना। ये विश्वव्यापी कलीसिया जो 12 प्रेरितों के आधार पर बनाई कलीसियाओं के सिद्धांतों को मान रही है, ये पूरी की पूरी कलीसिया का दूसरे आगमन में उठाव नहीं होगा रैप्चरेशन के वक्त है। इसमें से तो केवल वे ही लोग उत्पन्न किए जाएंगे जो बालक की तरह कौले। हालेलुया, जी हां। ये 12 तारे का मुकुट पहनी कलीसिया रैप्चरेशन के बाद इब्राहिम के 12 गोत्रों के लिए लागू होगा, और यह वाली कहानी यीशु मसीह के आने के पहले 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया के रूप में लागू होगा। यहां भी स्त्री है 7 साल के महाक्लेश काल में, और वहां भी स्त्री है नए नियम में, 2 स्त्रियां हैं। एक शारीरिक स्त्री है इब्राहिम के 12 गोत्रों से, और एक 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया है। बाइबल हमें बताती है जब बालक पैदा हुआ तो इसके सामने एक लाल अजगर था। ये लाल अजगर कौन है? यही है वह इबलीस, यही है वह शैतान, यही है वह लूसीफर, जो इस बच्चे को खा जाना चाहता है, इस बच्चे को निगल जाना चाहता है। ये बातें 7 साल के महाक्लेश काल में यहूदियों के लिए लागू होगी, इसराइलियों के लिए लागू होगी। जब एलिया और मूसा आएंगे तो 12 गोत्रों में से 12,000 अर्थात 144,000 लोग जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, जिन्होंने स्त्रियों के साथ समझौता नहीं किया, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वे सारे लोग बालकों का प्रतीक हैं और वे उठाए जाएंगे। तो जो यहूदी जाति है वो उस स्त्री के समान है जो 12 तारे लिए हुई थी। उनमें से जो पुत्र उत्पन्न होने वाला था जिससे कि वह अजगर, उस लाल अजगर उसको खा डाले, वह पुत्र कौन है? ये वे पुत्र हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 14वां अध्याय, जरा यहां देखिएगा 3रे पद में, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्रचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, 144,000 जन जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। आज विश्व की हर कलीसिया ये दावा करती है कि मैं मसीह यीशु के खून से खरीदा गया हूं, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूं, अब यीशु ने मुझको खरीद लिया है, विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी बना लिया है, तो मैं जैसा भी जीवन जीना चाहता हूं मैं जीते रहूंगा। परंतु ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों को प्रभु ने मोल लिया है ना, वे ऐसा वाला गीत गा रहे थे कि जिसको कोई नहीं गा सकता था, और उन्हें इसको कोई नहीं गा सकता था। 4थे पद में लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए वरन कुंवारे थे, ये वे हैं जहां मेमना जाता था वहां उसके पीछे जाते हैं, ये तो परमेश्वर के नियमित पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। क्या आज ये क्वालिटी चर्च के अंदर पाई जाती है? आज तो 99% बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लफड़े में पड़े हुए हैं। आज 90% लड़के लड़कियां शादी के पहले पति पत्नी के समान रह चुके होते हैं किसी गैर के साथ, तो ये कहां ऐसी लिस्टों में आएंगे? क्या आज कभी आपने चर्च के अंदर में युवा युवतियों के बीच में होने वाले लव अफेयर के बारे में कभी उंगली उठाई थी आज को? क्या कभी कोई सेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन की चर्चा की थी किसी परमेश्वर के दास ने? तो क्या आपको लगता है कि इस स्त्री के बच्चे के समान हमारा नंबर लगेगा, हमारी युवा पीढ़ी का नंबर लगेगा? आज 100 रुपए के प्रोजेक्ट में 50-50 बांट करके 75 रुपए का गमन किया जाता है,
मुझे बताइए प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कितने बिल सही पेश किए गए, आपको क्या लगता है ऐसे समय में? ये झूठ नहीं बोलने वाले लोग हैं, ये स्त्रियों से संसर्ग नहीं किए गए लोग हैं, इसका मतलब तुम्हें बैचलर रहना पड़ेगा? नहीं, परंतु पाप क्षमा की प्राप्ति के बाद में दोबारा केवल अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और को प्यार नहीं करने का ऐसा वाला जीवन जीने लगे जिस पर किसी भी प्रकार के व्यभिचार या फॉर्निकेशन या शादी के पहले वाला व्यभिचार और शादी के बाद वाले व्यभिचार का अस्तित्व ना पाया जाता हो, केवल वे ही इस बालक के जो गर्भधारण के रूप में पाया जाता है उसमें हमारा नंबर लगेगा। हेलिया और मूसा कुछ यही करेंगे, परंतु एक बात याद रखिएगा, वहां जो लाल अजगर है, ये लाल अजगर उस बच्चे को खा जाना चाहता है। और आज यही एक सबसे बड़ी अंधकार की शैतानियत की संतलत कलीसिया के अंदर, जब कभी भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की उन वचनों को जो प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक के अंतर्गत अंदर की गंदगी और मल को दूर करने के लिए खड़ा हो जाए, तो आज उसके विरुद्ध दुनिया खड़ी हो जाती है, याद रखिएगा। और जो लोग ऐसे संदेशों का बहिष्कार कर रहे हैं और ऐसे संदेशों को नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ऐसे संदेशों को सुनने से इनकार कर रहे हैं या सुनने वालों को भ्रमित कर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर लाल अजगर का साया है, जो आप पाप के समझौते के साथ रह करके यीशु के साथ जाने की कल्पना कर रहे हैं और इस प्रकार की अनुग्रह मात्र अनुग्रह और अपवित्रता से छुटकारा पाने वाली शिक्षाओं का बहिष्कार करने के रास्ते, आपको मालूम है आप कहीं ना कहीं इस लाल अजगर की पकड़ में चले गए, जो फुल गॉस्पल को आपकी जिंदगी के अंदर प्यूरिफिकेशन में लाने के लिए रुकावट के कारण जो अगुए बन जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी गैर का साया है। याद रखिएगा, जब तक पत्थर को काट काट करके इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा, चार दीवार के ऊपर की छत गुंबज के रूप में तैयार नहीं होगी, और आखिरी में जो फाइनल पत्थर रखा जाएगा, जिसको चीफ कॉर्नर स्टोन कहते हैं, वो मसीहा है। दैट इज द फाइनल डेस्टिनी। इसके बाद में कंप्लीट हो जाता है मंदिर और उसके ऊपर एक डंडी लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कलश लगाया जाता है, टॉपेस्ट प्लेस, गुंबज का आखिरी कील, वह है रैप्चरेशन। मेरे प्रियो, इस लाल अजगर की कहानी छुपी हुई है और बाइबल बताती है इसी लाल अजगर ने प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 13वें पद में, जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, तो उसने स्त्री के बेटे को सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि वह सांप के सामने से उड़कर जंगल में जहां उस जगह पहुंचाई जाए जहां एक समय समयों और आधे समय 3.5 साल तक पाली जाए। और सांप ने स्त्री के पीछे अपने मुख से नदी की नाई पानी बहाया और उस नदी को बहा दे कि उस नदी में बहा दे। अजगर के मुंह से, सांप के मुंह से पानी निकला, ये पानी उस स्त्री को बहा देना चाहता था। यहां है प्रोसिक्यूशन। आपको मालूम होवे, ये अजगर ऐसी व्यक्ति वस्तु स्थिति को इस्तेमाल करेगा, पिन पॉइंट, व्यक्ति वस्तु स्थिति को इस्तेमाल करेगा जिससे कि कलीसिया के अंदर पाप कायम रहे, युवा युवती लव यू करते रहे, कमेटी पैसे का घपला करती रहे, याजक चंदे का धंधा करते रहे, संस्थाएं दूसरी कलीसियाओं से पास्टरों को पैसे में खरीदते रहे और कलीसियाओं को हड़प करके अपनी संस्था का झंडा लगाते रहे, मोबाइल के अंदर होने वाले अपराध लगातार जारी रहे,
ये अजगर की वो नीति है जिससे कि कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली पवित्रता को वह नुकसान पहुंचाए या कलीसिया के सदस्य को उस बालक के समान जो गर्भ में पाया जा रहा है और गर्भ धारण करके वो बालक जो आकाश में उठाया जाएगा, जो लोहे का राजदंड लेकर के सब जातियों पर राज्य करेगा, उसमें कलीसिया के मेंब्रान सम्मिलित नहीं हो जाना चाहिए। आपके हाथ में लोहे का दंडा नहीं आ जाना चाहिए। आपको जाति जाति के ऊपर में राज्य करने के लिए परमेश्वर नियुक्त नहीं कर देना चाहिए, बोल करके वह आपकी पवित्रता को भ्रष्ट कर देना चाहता है, आपको पैसे में गुमराह करता है, आपको सिद्धांत में गुमराह करता है, आपको लोभ लालच में गुमराह करता है, आपको महान बनने की तमन्ना में गुमराह करता है। ट्रिपल जी, गर्ल, गोल्डन ग्लोरी, छोकरियों में बर्बाद करता है। ग्लोरी, गोल्ड, गोल्ड, पैसा, पैसा, पैसा। आज 99% लोग पैसे में गिर पड़े हैं, अपने अभिषेक और दर्शन को खो दिए हैं। ग्लोरी, ग्लोरी, महान महान बनने की कल्पना। आई वॉन्ट टू बी अ सुप्रीम मैन ऑफ गॉड। ये सब बेवकूफ है, मैं महान हूं। आपको जानकारी मिले, अजगर के मुंह से निकलने वाला यह जल, यह नदी आपको वहां पहुंचा देना चाहती है जिससे कि आप बह जाएं। परंतु उसके बाद भी प्रभु का अनुग्रह आपके पीछे है। पंखे दिए हैं खुदा ने कलीसिया को कि वो उड़ जाए और साढ़े तीन साल के क्लेश काल में प्यूरिफिकेशन की शिक्षा सीख ले। यदि आज की तारीख में वचनों के रास्ते आपने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास नहीं किया, तो 2021 और 2022 के दौरान जो कलीसिया को प्रोसिक्यूशन से होकर के जाना पड़ेगा, लेबर पेन से होकर के जाना पड़ेगा, जच्चा की पीड़ा से होकर के जाना पड़ेगा, वहां आपने सीधे से पश्चाताप नहीं किया तो खुदा को मालूम है पश्चाताप कैसे करवाते हैं। अब कुट पिट के यदि कोई प्रभु के पास में आए तो बुद्धिमानों की लिस्ट पर क्यों रखा जाए? लिसन मी केयरफुली। तो मान क्यों नहीं लेते हो आप कि परमेश्वर जब चौकोन पत्थरों के कोने काट रहा है तो काटने दीजिएगा एक अपोस्टल को, एक प्रॉफिट को काटने दीजिए और सेफ में आ जाइए, जिससे कि खड़ी दीवार पर ही ये पत्थर गुंबज का काम बने, काम करें। एंड देन फिर मसीह जो चीफ कॉर्नर स्टोन है, जिसको एंड, जिसको रेप्चुरेशन कहते हैं, यीशु मसीह का चीफ कॉर्नर स्टोन के रूप में आने का काम उस समय होगा जब गुंबज पूर्ण दशा पर उस सक्रिय स्थान में बदल जाएगी जहां पर ये चीफ कॉर्नर स्टोन अब उन तमाम पत्थरों को लॉक कर डाले। यदि दीवार का एक लेयर बचा है, चीफ कॉर्नर स्टोन डालिएगा तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसको इतना सकरा होना पड़ेगा कि उसका ऊपर का हिस्से का साइज ज्यादा हो जाए और नीचे का हिस्सा ब्लॉक कर दे, तब जाकर के चीफ कॉर्नर स्टोन। आज कलीसिया को यीशु मसीह के आगमन के पहले प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की कहानी की तो सच्चाई नहीं मालूम, सब अपने अपने में नपे तुले हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पुराने नियम अर्थात 7 साल के महाक्लेश काल में 12 तारों से बना हुआ मुकुट पहनने वाली स्त्री इसराइली समुदाय होगा और 12 प्रेरितों के आधार पर विश्वव्यापी कलीसिया नए नियम की यीशु के आगमन के पहले वाली कलीसिया होगी। दोनों के साथ एक ही ट्रीटमेंट होगा। काश परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि वे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों को, जिसको एलिया और मूसा के रूप में आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसको जैतून के दो पेड़, जैतून की दो डालियां, जैतून की डालियों पर लगी दो सोने की नालियां, जिसमें सुनहला तेल उंडेला जाता है, उसकी वैल्यू हम समझ सके, इसी के आधार पर अंत के दिनों की जागृति टिकी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस अजगर की समझ दे। अगले एपिसोड में इस लाल अजगर की सत्यता को और भी ज्यादा गहराई से देखेंगे कि कौन अंदर घुस करके हमको तकलीफ दे रहा है। बाहरी विरोध हमको विश्वास में मजबूत करेगा, परंतु दुष्टता यदि कलीसिया में सिद्धांतवाद के आधार पर, यदि कलीसिया में कलीसिया के अगुवे और कलीसिया ही कलीसिया के लिए जहर बोने लगे तो समस्या बढ़ जाएगी।
और अंत के दिनों में अजगर बाहरी प्रतिशोध तो थोड़ा सा होगा परंतु अंदरूनी समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इन समयों में हर शिक्षा पर यकीन नहीं किया जा सकता है जब तक कि शिक्षा संपूर्ण बाइबिल के चारों एंगल से देखी ना जाए। यदि कोई एक ही एंगल से लेकर के बाइबिल का शिक्षा का आधार बना रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। आज शिक्षाओं और शिक्षाओं का द्वंद्व चल रहा है। शिक्षक शिक्षक एक दूसरे की काट छांट में लगे हुए हैं। हम सिद्धांतों की बयार में उछाले जा रहे हैं। ऐसे समय में कलीसिया का भारी नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका देश के सामने यदि कोई दुश्मन सामने से खड़ा हो तो उसके पास में लड़ने का बहुत तरीका आइडिया है, परंतु यदि आतंकवाद अंदर घुस जाए तो आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होगा। आपको जानकारी मिले इस अजगर ने बाहरी हमले को तो कम कर दिया है, परंतु अंदरूनी हमला जो सिद्धांतवाद का है जिसमें पवित्रता को नुकसान पहुंचाया जा सके, हम विभाजित रहे, हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी में बढ़ते पलते चले जाएं, यह हमारे लिए यीशु के आगमन के टाइम पर बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए जब तक कि वे विश्वास में और प्रभु की पहचान में एक ना हो जाएं, और विश्वास में और प्रभु की पहचान में एक बनाने के लिए परमेश्वर इन दो गवाहों को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें यह विशेष अनुग्रह दे दिया कि प्यारे पिताजी, उस 12 तारों के मुकुट को पहनी स्त्री जिसके गर्भ में एक बालक का निर्माण हो रहा है, आज भी नए नियम की 12 तारों वाली मुकुट पहनी कलीसिया में भी परमेश्वर ऐसे बालकों को अंदर गर्भ में बढ़ा पला रहे हैं जो आगे वाले दिनों में उभर करके आएंगे, परंतु कलीसिया को विश्वव्यापी रीति से लेबर पेन से अर्थात प्रसव पीड़ा से होकर के जाना पड़ेगा। प्यारे पिताजी, तभी जागृति के बालक पैदा होंगे, और जो जागृति के हिस्से नहीं बने, प्रभु आप उन्हें उस स्त्री के समान पंख देंगे जो जंगल में पाली जाए, और 3.5 साल तक एलिया और मूसा की शिक्षा से इनकी जिंदगी का सुधार किया जाए, और उनमें से जितने और भी लोग बचे हैं वे भी यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार किए जाएं। बाप, हम सब गर्भ में पलने वाले बच्चों की संख्या में आ जाएं जिन्होंने अभी तक झूठ नहीं बोला है। हमारी बातें हां की हां और ना की ना रहने लायक हो जाएं, ऐसा अभिषेक आपके बच्चों को दे दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन।